क्या दोस्तों आप भी किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहती हो बट उसमें आपको एक टोन बजती है दिल्स कॉल भी रिकॉर्डेड इस तरीके से आपको लिखा आता है और वो जो बंदा है ना सामने उसको भी सुने आता है कि ये अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। जो मेन मेन बात होती है ना वो आपके वो फिर कर नहीं पाता है, उसको पता चल जाता है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है बंदा, तो सोच समझ कर बात करो। तो इसके लिए हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि उस कॉल रिकॉर्डिंग का जो आप करोगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने डायलर को ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको जैसा सेटिंग्स बता रहा हूँ ना वैसा करना है। सिंपल से आप क्या करते हो कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए, जैसे ही मैं आपको यह सिंपल से बता देता हूँ, इस तरीके से आप क्लिक कर देते हो और उसके बाद वर्तमान टैरिफ इस तरीके से करते हो तो आपको क्या होता है उसमें जो भी रिकॉर्डिंग की आवाज़ है ना वो उसको चली जाती है। सिंपल सा तरीका है, तो इसे ऐसा नहीं करना है आपको, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करना है। उसको कुछ ही नहीं, आपको यह थ्री डॉट दिख रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको यह सेटिंग्स दिखेंगे, तो ऊपर आपको दूसरे नंबर पर एक सेटिंग्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारी आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और यह सर्च करना है आपको। देखो जैसे मैं सर्च कर देता हूँ, या देखो डायलर, जैसे आपको डायलर सर्च करना है, देखो ये डायलर सर्च कर देना है आपको। और सिंपल सा डायलर सर्च करने के बाद सिंपल सा ओपन करना है और आपका जो भी डायलर है, जैसे मेरा अभी फोन बाय गूगल का, ये गूगल का डायलर है इसलिए इसमें ज़्यादा कॉल रिकॉर्डिंग आती है। तो आपको एप्लीकेशन को यहाँ से अपडेट कर लेना है, सेकंड तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट का, अपडेट कर लेना है एप्लीकेशन को, तभी आपको ये ऑप्शन शो होंगे, अदरवाइज आपको ये ऑप्शन शो नहीं होंगे। ऑप्शन शो हो गए तो फिर आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना एकदम, एक ऑप्शन मिलता है आपको, देख सकते हो यहाँ डिस्प्ले ऑप्शन के ऊपर कॉल रिकॉर्डिंग्स का, इस कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे अभी देखो आपके इसमें देखो ये काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको रिकॉर्डिंग्स है ना इस पर डिलीट रिकॉर्डिंग्स पे आप जैसे ही रखोगे तो ये आपको यहाँ नेवर पर क्लिक करना है। अगर आप ये आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 30 डेज रखोगे तो इतने दिन के बाद ये डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग, तो आपको नेवर पर करोगे तो कभी डिलीट नहीं होंगे, सिंपल से ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको डिलीट करना है और रिकॉर्डिंग्स को यहाँ से डिलीट भी कर सकते। अभी हम आ जाते हैं हमारे मेन बात पे कि हमें वो टोन को ही बंद करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यह एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग दिस नंबर, इस पर क्लिक करना है और ऊपर वाला ऑप्शन है इस पर ऑन कर देना है इसको, और नीचे से ऑलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। और इससे क्या होगा, आप जो भी बंदे की आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो बिना आवाज़ के ही वो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो बटन पर दबाओ तब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होंगी, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली भी जब वो फोन कट हो जाएगा तो वो भी डिलीट हो जाएंगी। उसके लिए क्या करना है, आपको चूज़ अ नंबर पर क्लिक करके आप यहाँ से कितने भी नंबर ऐड कर सकते हो, तो आपको जो जो बंदों के नंबर ऐड करने वो कर लेने हैं, उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद ऊपर एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड अननोन नंबर्स, अगर आपका जो भी बंदा है जैसा आपको अननोन नंबर से लगाता है कॉल्स ताकि आपके इसमें जो नंबर सेव हो उसकी रिकॉर्डिंग हो हमारी ना हो, तो इसके लिए इसको भी ऑन रखना है। अननोन नंबर से जब भी फोन आएगा बिना नंबर सेव वाला उसकी भी रिकॉर्डिंग इसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी, वो भी बिना उसको बताए, इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आपको प्ले ऑडियो टोन इंस्टेड डू डिस्क्लेमर, मतलब आपको ऐसे ऑडियो को ऑफ कर देना है, ऑडियो में कुछ बजे ही ना कि इस तरीके से हम आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे तो इसको ऑन कर दोगे, या आपको देखो डू नॉट एग्री और एग्री, तो एग्री पर क्लिक करोगे आपके यहाँ से काम खत्म। आप इसके बाद आप कब भी कॉल किसी को लगाओगे ना तो कोई टोन नहीं बजेंगे, कुछ नहीं बजेगा आपके इसमें, सिंपल सा ये बंद हो जाएगा इस तरीके से। और ये नया ऑप्शन आ चुके हैं, ये आपको अपडेट करने के बाद ही आपको ये ऑप्शन शो होंगे, तो इसलिए सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है तभी आपको ये ऑप्शन आएंगे। उसके बाद आपको कुछ ही नहीं, ऐसे आपको किसी को भी कॉल लगाना हो तो आप कर लगा सकते हो, जैसे मैं अभी सिंपल सा कोई कस्टमर केयर को लगा के दिखाता हूँ आपको। और यह कॉल अपने करंट यानी वर्तमान टैरिफ, प्रीपेड बिल, पॉपुलर रिचार्जेस और खास आप ही के लिए बने पेट डे। तो देखा दोस्तों कुछ भी आवाज़ नहीं आई यहाँ से, और उल्टा वहाँ से आपको जो ऑटोमेटिकली है वो भी रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो चुकी है अननोन नंबर की, इस तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।